घोड़े हैं 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 घोड़े हैं। छोटी सी ढोलकी छोटा सा भात, फूट गई ढोलकी छूट गया सा। अहिरे अहिरे। मुगल शासन काल में कश्मीर में पाथेर, अवध में भांड, पंजाब में नक्काल, दिल्ली में बहरूपीय भगतबाज और ईरान से आई हुई किस्सा गोई जैसी कलाओं ने अपनी अपनी एक खास जगह बना रखी थी। फिर वक्त बदला। 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल सल्तनत की बुनियाद कमजोर होने लगी और उसकी चूलें हिलने लगी, दिल्ली उजड़ने लगी और अवध आबाद होने लगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से ताजिर, शायर, अदीब और फनकार अवध में आकर बसने लगे। ये दौर नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर के ज़माने का था, यानी 1775 में नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर अवध के चौथे नवाब हुए और फैज़ाबाद से उन्होंने अपना कैपिटल लखनऊ शिफ्ट किया। और ये कश्मीरी भांड जो कहलाते हैं, जो कि नक्काल होते थे, इनकी आमद कश्मीर से हुई। हुसैनाबाद के नज़दीक पीर बुखारा एक जगह है जहाँ काला इमाम बाड़ा है, तो बहरहाल उन लोगों को वो जगह दे दी गई। वो कहा वहाँ जाके आबाद हो जाओ। हमको भी ये लगा कि लखनऊ में इस कदर रिच वोकेशंस थे, आर्ट फॉर्म्स थे, जो धीरे 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 सब खत्म हो रहे हैं सिवाय एक या दो के। जैसे कि आपने कहा भांड है, दूसरा है जरदोजी है, दास्तां गोई है, और मैं नाम आपको कहते जा सकता हूँ। ये सब इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग इसकी कदर नहीं करना चाहते। इतनी रिच चीज़ें हमको विरासत में मिली हैं, इनको मैनेज करेंगे हम, हमारे बच्चे और इवन टूरिस्ट फॉर दैट मैटर। नवाब वजीर की कदरदानी और सरपरस्ती में उभरती हुई गंगा जमुनी तहजीब के साथ ये कलाएं भी पूरे जोश और खरोश के साथ परवान चढ़ने लगी। नवाब वजीर आसफ़ुद्दौला ने फैजाबाद छोड़कर जब लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया तो बहुत सी दबी हुई लोक कलाओं ने आंखें खोली और बहुत से नए फोक आर्ट्स ने जन्म लिया। लोकनाच और नकल मनोरंजन के रूप में दरबारों और आवाम में बेहद मकबूल होने लगे। अवध में कला के तीन रूप बहुत मशहूर थे, पहला शायरी, दूसरा मुजरा और तीसरा भांडों की नक्काली। शायरी पढ़े लिखे लोगों की, मुजरा रईसों की चीज़ें थी, लेकिन भांड की कला रईसों, पढ़े लिखे लोगों और आवाम में एक सा मकबूल थी। सच तो यह है कि भांडगिरी सभी कलाओं का संगम थी। जब सारे पाथेर, भांड, नकाल, भगतबाज और किस्सा गो एक जुट होकर एक खेमे में आ गए तो उन्हें एक नाम से जाना जाने लगा और वो था भांड। तो ये जो भांड हैं, इनका जो पेशा होता था वो होते थे नक्काल। बहुत चर्चा चली हिंदुस्तान में टोटल एक्टर की, जो टोटल एक्टर जो नाच सकता है, गा सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक्रोबेट भी हो सकता है, वो हमारे भांड थे। इनकी एक्टिंग बहुत पसंद की जाती थी। इनको समझिए कि एक किस्म के एंटरटेनर्स थे, जैसे आजकल एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनका इतना नाम है, उस ज़माने में भी नाम तो हो जाता था मगर वो इज्जत नहीं मिल पाती थी उन लोगों को। तो इस तरह का कुछ रबजब्त ये कर लेते थे कि कुछ रास की बातें उन उस शख्स के बारे में जान लेते थे जो कि बहुत ही रास की होती थी और आमतौर से लोग उसको नहीं जानते थे। और फिर जब ये आके कुछ करते थे तो उनके रास की बातें ये आयां करते थे। ये लोग न सिर्फ नाच गानों के हुनर या गजल कव्वाली की अदायगी में बेजोड़ थे बल्कि लतीफा गोई, लोक झोंक, हाजिर जवाबी और नकाली में भी बेमिसाल थे। कि वो टक्कर लेते थे तवायफों से। बहुत जगह ये हुआ कि लखनऊ में भांडों को तरजीह ज़्यादा देने लगी तवायफों के ऊपर,
लेकिन देहाती इस पर तवायफें आग हो गई यहाँ की। दिल्ली से उठकर जब सौदा सूज और दाग जैसे शायर लखनऊ में आकर बसने लगे तो यहाँ की शेर व सुखन की महफिलों में जान आ गई। उनकी शोहरत से यहाँ के भांडों को हसद होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि महफिलों में उनके अलावा किसी और को तवज्जो मिले, लिहाजा उन्होंने शायरों के उस्ताद दाग को ही अपना निशाना बनाया। अबे तू चिड़िया का शिकार कर ले, तेरे लिए यही बहुत है। अरे उस्ताद हल्के में ना लिया। अच्छा अबे तो फिर किस चीज का शिकार करेगा? शेर का। तू अबे जा काम कर अपना। अबे हंसो नहीं, शेर का शिकार करके दिखाते। देखो देखो नहीं बेटा, ये देखो। अब क्या हुआ बे? अबे बंदूक उतार, लगा निशाना। अबे दाग, दाग, पट्टे देख क्या रहा है? दाग, अबे दाग, दाग, नहीं नहीं। भरी महफिल से दाग साहब कब उठकर चल दिए किसी को पता ही नहीं चला। दाग, 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 दाग। ओरिजिनल भाण है, जो मूल भाण है, जो लिख नहीं सकते, जो पढ़ा पढ़े पढ़े नहीं है, वो कैसे स्क्रिप्ट याद करते हैं? कमाल है। नवाब सादत अली खां के जमाने में डोला नाम का एक मशहूर भांड हुआ करता था। किसी रईस ने खुश होकर उसे एक बहुत ही फटा पुराना दुशाला इनाम में दिया। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने भाई, इनको इनाम दिया जाए। भांडों ने उस रईस की इस कंजूसी को सरे महफिल उजागर करने के लिए उसी दुशाले को इस्तेमाल करके एक अनोखी नकल तैयार की। अम्मा क्या देख रहे हो इसमें? कुछ तहरीर है, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या लिखा इस बेशकीमती दुशाले में? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे मुसलमान हो? पूरा कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अम्मा उस्ताद ये रसूल अल्लाह के भी पहले का है। गरज की उन भांडों ने अपनी फनी जहानत से उस दुशाले को 1400 साल से भी ज्यादा पुराना साबित करके उस रईस की कंजूसी का खूब मजाक उड़ाया। लोगों की कमजोरियों का मजाक उड़ाने के बावजूद उनसे इनाम हासिल करते थे। जी, 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 ये उनकी खूबी थी। जी। अभी भी भांडों के साथ काम हो रहा है और अब तो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हमारे दोस्त हैं एमके रैना साहब, उन्होंने भांडों के साथ शेक्सपियर का नाटक किंग लियर किया, और किंग लियर किसी हॉल में नहीं किया, किंग लियर ओपन किया। पहाड़ों में लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और बीच में नाटक हो रहा है, चारों तरफ भीड़ है, किंग लियर जैसा नाटक भाण कर रहे हैं। भांडों के बात करने का अंदाज निराला होता था, उनके जुमले अपने आप में एक लतीफा बन जाते थे। अच्छा उनमें खास बात थी कि जमीन से जुड़ी हुई बात करते थे और आम आवाम का दिल छीनना जानते थे। खासकर वो नब्ज टटोल लेते थे महफिल की कि जो यहाँ पर लोग हैं उनका क्या मिजाज है, वो कहाँ तक समझेंगे और क्या उनको चाहिए। इनकी बराबरी नहीं इनकी इंटेलिजेंस की, और ज़बरदस्त नॉलेज भी रखते थे, तंज़ो मज़ाह में एक्सपर्टीज था, और तंज़ो मज़ाह के ज़रिए ही वो उस वक्त की सोसाइटी का को दिखाते थे। ज़बान उनकी बड़ी सलीस होना, आदाब और तस्लीमात का उनके बहुत पूरा तौर तरीक़ा, उससे वाकिफ़ होना। एक बार बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में रेजिडेंसी में भांडों ने नक़ाली का हुनर पेश किया। उस हुनर के बाद एक दावत का इंतज़ाम किया गया था। अंग्रेज़ी अंदाज में मेज़ कुर्सी पर तरह तरह के खाने के लवाजमा सजाए गए थे, जिसमें कौरमा, शीरमाल, पलटिया और मुर्ग सभी कुछ था। इत्तेफाक से मुर्ग का डोंगा भांडों के सरगना अच्छे जानी की पहुंच से कुछ दूर रखा हुआ था। अब ये बात अच्छे जानी को बहुत अखर रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया।
वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा। मैं भाई अच्छे जाने कौन सा लतीफा याद आ गया जितना हंस रहे हो, जरा हम भी तो सुने। कोई लतीफा नहीं मौलाना साहब, मुझे तो हंसी इस बेचारे मुल्क की किस्मत पर आ रही है। अब देखिए ना, अब से एक घंटा तक ये बेचारा मुल्क आलम से दालान में, दालान से अलगनी पे और अलगनी से मुंडेर पर तो भाग कर रहा था भाई। वो तो है, अब इस बेचारे में इतनी किताब नहीं कि दो हाथ की दूरी नाप ले, यानी डोंगे से मेरी प्लेट तक का सफर तय कर सके। जुमले अच्छे कस लेते हो अच्छे जानी। लीजिए। कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छे जानी की इस चर्ब जबानी से मुर्ग ने डोंगे से उसकी तश्तरी तक का सफर एक झटके में पूरा कर लिया और उसने जी भर कर मुर्ग नोश फरमाया। अवध को आसानी से अपनी तरफ खींचने वाला भांडों का ये हुनर न सिर्फ समाज के हर तबके की तफरी का बेहतरीन जरिया था बल्कि अवध की तहजीब और जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। बच्चे की पैदाइश से लेकर शादी ब्याह की रस्मों तक भांडों का बोलबाला था, साथ ही होली दिवाली ईद जैसे त्योहारों और जलसे जुलूसों और शाही प्रोग्रामों में भांड का शामिल होना ऐसे ही जरूरी था जैसे खाने में नमक। भांडों के साथ वर्कशॉप की थी और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने लखनऊ के जो आखिरी भांड हैं जहांगीर भांड का कत्थक डांस बिरजू महाराज ने भी देखा। बिरजू महाराज भी उनसे वाकिफ थे, उनके आर्ट से वाकिफ थे। अंग्रेजी दौर में भी लखनऊ में भांडों के नाच का रवाज बदस्तूर कायम रहा। ये लोग गजल ठुमरी और दादरा ही नहीं सहरे बन्ने मुबारकबादें और गालियां गाने में भी जवाब नहीं रखते थे। लखनऊ में भांडगिरी 1960 तक तो जिंदा रही पर ये अन्य कलाओं की तरह अचानक नहीं खत्म हो गई बल्कि धीरे धीरे इसकी शक्ल बदली, बिगड़ी, स्तर में गिरावट आई और फिर लगभग समाप्त हो गई और ये भांडों का ट्रेडिशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और भांडगिरी तो नहीं करते थे, जो जिस वक्त मैंने वर्कशॉप की वो दरगाहों पर या मज़ारों पर जाकर कव्वाली गाया करते थे, वहाँ जो पैसा मिलता था उससे वो अपनी गुजर बसर किया करते थे। जी मैं हसन अब्बास हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम जहांगीर हुसैन है। जब मैं उनके साथ जाता था तो मुझे इस बात का महसूस होता था कि हाँ ये कोई कलाकार हैं, इनको भी कोई अच्छे पैमाने पर आना चाहिए। बार बार शॉप का जो है वो पूरा एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया तो बड़ी कैंची थी, बड़ा अस्तुरा था और जो उसके साथ एक्शन था, जो उसके साथ फार्स था पूरा, वो गज़ब का था। आज के एक्टर को देखना चाहिए ऐसे ऐसे, मतलब आपको हमने तो उनको स्क्रिप्ट नहीं दी थी, जो मर्जी वो करके दिखाइए। 3 घंटे तक वो करते रहे दो आदमी और 1 मिनट आपको मतलब सीधे नहीं बैठ सकते थे आप। सोसाइटी की अक्कासी आज भी होती है मगर अक्सर कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाती है, मगर सोसाइटी की अक्कासी उस वक्त लोगों को हंसा के वहीं पर खत्म। सरकारी अनदेखी सबसे बड़ा कारण है कि आर्ट की तरफ सरकारी अनदेखी जबरदस्त तरीके से हुई है, चाहे वो नौटंकी हो चाहे वो हो। एकेडमीज में ड्रामा सर्वेयर होते हैं, उनका काम क्या होता है? ऐसी जो फॉर्म खत्म हो रहे हैं उनको ढूंढ के लाएं, उनके बारे में लिखें, चाहे म्यूजिक की हो चाहे गायकी की हो चाहे ड्रामा की हो। भांड हुए, डोम हुए, मिरासी हुए, ये सब एंटरटेनर्स होते थे, ये किसी न किसी खानदान से जुड़े हुए होते थे, अटैच्ड होते थे और वो खानदान इनको ज़रूर हिफाजत देता था। लेकिन अब वो जो हैं वो इस पेशे को मायूब समझने लगे, अपनी तौहीन समझने लगे। तो इस काम को तो तवज्जो इसलिए नहीं दी कि इसमें कुछ हमें लगा नहीं कि रोजी रोटी इससे चल पाएगी, तो इसलिए मैंने वो काम को तवज्जो दी, मैंने सीखा ही नहीं उसको। अब उनकी डेट के बाद में फिर मैंने इस काम के ऊपर पूरी तवज्जो दी, जब से अब तक ये कर भाव इसीलिए ख़त्म हुए कि उनको जो रिकग्निशन मिलना चाहिए
वो जहां तक नवाबी थी, अवध था, वहां तक मिला। उसके बाद वो दर-दर के मोहताज हो गए, वहां का ट्रेडिशन खत्म हो गया। लेकिन वो उनकी नस्ल के, उनके खानदान के लोग मौजूद हैं अभी। लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ हमारे भी खानदान वालों ने उस काम को बहुत नीचा कर दिया, जिसमें ये सोच के हमने भी इसको तवज्जो नहीं दी। हांड का जो पर्सनल ओपिनियन मैं कहूँगा, नॉट इंटेंट, वो खुद ही अपने आप से शर्मा रहे हैं। जितना मुझे पता है, दे डोंट वांट टू कॉल देमसेल्फ हांड। अगर कोई इंसान, अगर मैं अपने पर अभी मार को नहीं कहना चाहता हूँ, समथिंग रॉन्ग विद मी। आज ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमसे दामन छुड़ा रही हैं, ये तय है। लेकिन फिर भी नई पीढ़ी से हम बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हैं। उसके अंदर जो तड़प हम देखते हैं, और वो चाहती है कि हम ऐसे तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनको अपने करीब रखें, तो ये भी है कि वो फिल्मों में या टीवी सीरियल में वो सारे रंग या वो चीज़ें अपना रूप बदल करके पहुँच गई हैं। ये पहाड़ों का जो ट्रेडिशन था उसका एक बहुत भोथरा और ख़राब रूप है ये लाफ्टर सर्कस और ये स्टैंडिंग कॉमेडी। और फिल्म में क्या होता है आजकल, फिल्म में क्या होता है? और आप तो लाइव कर रहे हो, इस वर्थ इट, इफ यू गिव दैट सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ ओननेस एंड ऑल दैट, आई एम श्योर दे विल कम। आजकल जो स्टैंड अप कॉमिक्स होते हैं, अगर भांडों से आप कंपेयर करेंगे तो दे आर नो मैच। जैसे हम हजरतगंज को प्रिजर्व करने के लिए 200 साल हजरत दिन के हो गए, अगर ये भाड़ों की ट्रेडिशन को उसी के साथ जोड़ देते, ये साल में तुम्हें एक घंटे दो घंटे यहां तुमको रोज आके परफॉर्म करना है इस जगह पर, और जो पैसा मिलेगा वो तुम्हारा, हम तुम्हें महीने में इतना पैसा देंगे, तो क्यों ना वो ऊपरी आमदनी, तो क्यों ना जिंदा रहते वो, और खुशी खुशी जिंदा रहते। एक दिन बीतने के बाद वो एक घंटे के वो दो घंटे करके जाते। मुझे लगता है कि जो लखनऊ की पहचाने हैं, जहाँ बहुत तरह से संजोई जा रही है, हेरिटेज की तरफ आजकल बहुत तेजी से लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं, उसमें ये भी शामिल है कि जितनी रवायतें यहाँ दिलजोई की थी और जो भी परंपराएं थी उनको हमारे नौजवान सहेजें, और उससे जो सीख सकते हैं या जो अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं उसको ज़रूर दें।